समाज का नाम लेकर वोट लेना और सत्ता में आने के लिए समाज के लिए काम करना दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। और ऐसी भी परिस्थितियां आते लोग बिना आवाज के चलेंगे तो ठीक है, ऐसी भी परिस्थितियां रही है कि अगर हमारी किसी बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो दोनों सरकारों ने चाहे सपा की है चाहे बसपा की, पहले ये देखा कि बदतमीजी करने वाले की जाति क्या है, इसका धर्म क्या है। अगर वोट बैंक के हिसाब से वो चीजें ठीक नहीं है तो कानूनी कार्रवाई हुई है, अन्यथा कोई सुनने वाला भी नहीं रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर जाने के बाद पहले व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर पाए बंगालू लक्ष्मण जी थे, और सारे भारत के जितनी भी पार्टियां थी उनके नजरों में खटक गया कि एक इतनी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में और उसका अध्यक्ष अनुसूचित वर्ग से, तो बागराजा पहलका के नाम से टीम बनाई गई थी और एक षड्यंत्र के तहत वो उन्हें फंसाने में कामयाब भी रहे, क्योंकि कोर्ट का फैसला तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये भी सच्चाई थी कि उनकी जो ऑडियो थी वो कैसे को बार बार एडिट की गई थी, कुछ वाक्य काट काट कर जब दिखाई जा रहे थे और ईमान भी यह था, लेकिन वो उन्हें फंसाने की चाल इसलिए चली गई कि अनुसूचित वर्ग के आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और उनकी ऐसी पार्टी की जो सत्ता ना हो, देश की सबसे बड़ी पार्टी हो। हम अभी कहा बाबा जी के बारे में, अभी पूज्य रविदास जी के बारे में, दोनों का अगर पार्टी भेदभाव मिलकर के मिल सके, उनके अवतार मिल सके, ऐसी व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि देश को सबसे ज्यादा आवश्यकता है आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सोच के लिए, आज बहुत जरूरत है। कभी किसी के प्रति एक शब्द भी खराब नहीं निकाला जीवन भर, और जैसे भगवान नीलकंठ को कहते हैं ना भगवान सिंह को कि उन्हें चाय लिया अपने अंदर लेकिन अमृत दिया, हमेशा समाज को जोड़ने की बात की, ऐसे हमारे गुरु के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की याद में पंचकीर्त बनाई बात की। जो सीखना था वही तो सीखना था उनसे, उनका नाम लेकर राजनीति करें और समाज को तोड़ने का काम करें तो वो उनके आदर्शों पर चलना नहीं है। उनके आदर्शों पर अगर कोई पार्टी चल रही है तो उसका नाम केवल भारतीय जनता पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी है। अभी मैं योजना का जिक्र जरूर करूंगा, बहुत सी बातें आती हैं, सरकार की कितनी भी योजना चल रही है उनमें आवास है चाहे आयुष्मान है, बहुत सारी योजनाएं आदर्श योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं इस आधार पर चल रही है कि 2011 की जनगणना में हर 10 वर्ष बाद देश की जो आबादी है उसकी गणना होती है, जनगणना उसको बोलते हैं। उसमें जो सरकार केंद्र में रही होगी 2011 में, जो सरकार उत्तर प्रदेश में रही होगी 2011 में, उस समय वो सारे डाटा और सारे तथ्य एकत्र किए गए। आज हमारे बहुत से लोग कह देते हैं कि मकान उस आदमी को मिल गया जिसके 4 मकान पहले से थे, और वो आदमी को मकान मिल नहीं पाया जिसके पास कोई सब सर ढक नहीं गई छत नहीं है नहीं, उसका नंबर क्यों नहीं आया, लेकिन वो अवस्था उस समय की थी, उस समय की सरकारों की सोच थी, उस समय के कर्मचारी का काम था। आज दूसरी जनगणना हो रही है और ऊपर भी हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और मैं मन से कह सकता हूं सबसे पहले अभी 22 तक चलता जाएगा क्योंकि 1 साल लगेगा अभी योजना में, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले हर एक योजना पर जितनी भी योजना सरकार देगी, चाहे आवास है चाहे आयुष्मान है चाहे उज्ज्वला सिलेंडर है चाहे पढ़ाई के लिए कोई योजना जो भी निकालेंगे चाहे पेंशन है, सबसे पहला अधिकार अगर किसी का होगा आप सीधी देख लेना तो सबसे पहले अनुसूचित वर्ग को मिलेगी, उसके बाद सबको मिलेगा, हर योजना छुट्टी आ जाएगी अगले साल तक सबके सामने, कहीं हमारे मंडल अध्यक्ष श्री मोर्चा आपसे आग्रह है कि आप भी आए और हमारे
माला पहनाकर स्वागत करें। माला पहनाने समय से भागना करें। दोनों हर भगत को सदन आपको समर्थन दे रहा है और ये विश्वास दिलाता है देश और प्रदेश के नेतृत्व को कि आपके नेतृत्व में परी समाज आने वाले चुनाव और हमारे क्षेत्रीय मंत्री क्षेत्रीय मंत्री मोनिका देवी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आशा जल्दी आ रवि मेहरा से मेरा अनुरोध है।